चंद्रपुर पुलिस ने एक बहुत बड़ी चोरी का पर्दाफाश करते हुए चोरी हुए 26 लाख रुपए जब्त किए। किस प्रकार पुलिस ने इस चोरी का पर्दाफाश किया, आइए जानते हैं इस खबर में। सिंधी कॉलोनी रामनगर निवासी 38 वर्षीय खुशाल भागचंद अडवाणी नामक व्यक्ति 15 मार्च को अपने परिवार के साथ घर को ताला लगाकर बाहर गए थे। जब वे 18 मार्च को सुबह करीब 8 बजे के दौरान घर लौटे, तब बेडरूम में बैग रखने के लिए गए, तभी उन्होंने पाया कि वहां की खिड़की का ग्रिल टूटा हुआ है और अलमारी में रखे 26 लाख रुपए भी गायब है। इसकी शिकायत रामनगर पुलिस थाने में दर्ज की गई। पुलिस ने गुनहे की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। आसपास के परिसर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, तभी भागचंद अडवाणी इनके घर पर काम करने वाला चौकीदार विकास महादेव गोंधड़ी तोहगांव निवासी इसे हिरासत में लिया गया। उसने अपना अपराध कबूल किया। उसकी ओर से पुलिस ने 26 लाख रुपए जब्त किए। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मोमक्का सुदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुधाकर यादव इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक सुनील गाड़े, पुलिस स्टेशन रामनगर, पुलिस निरीक्षक महेश कुंडावार, स्थानिक अपराध शाखा चंद्रपुर, सहायक पुलिस निरीक्षक हर्षल लेखरे, पुलिस उप निरीक्षक विनोद भुरले, स्थानिक अपराध शाखा चंद्रपुर, साथ ही गुन्हे शोध पथक रामनगर, सहायक पुलिस निरीक्षक देवाजी नरोटे, पुलिस उप निरीक्षक मधुकर सामलवार, दीपेश ठाकरे, पुलिस हवालदार पेतरस सीडाम, किशोर वैरागड़े, रजनीकांत पुठापार, शरद कुड़े, सतीश अवधरे, आनंद खरात, प्रशांत शेंद्रे, नायब पुलिस सिपाही लालू यादव, पुलिस सिपाही हिरालाल गुप्ता, रवि कुमार ठेंगड़े, प्रफुल्ल घारगाटे, संदीप कामड़ी, विकास जुमना के विकास जाधव, पंकज ठोमरे, मनीषा मोरे, पुलिस स्टेशन रामनगर ने संयुक्त रूप से की। सीटीवी के लिए प्रतिनिधि वैभव रियारकर की रिपोर्ट।